संडे की सुबह है और घर में कोई नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? कोई भी नहीं है चांदनी, और ये नंदू पप्पू भी विश्वास की दूसरी शादी में चले गए खाना खाने के लिए मुफ्त ओढ़ कहीं के हैं, और मैं अकेली जान घर में बैठ के क्या करूं? कोई भी तो नहीं है मेरे साथ, पर मैं तो हूँ। मैं नाचूंगी, गाऊंगी, ऐश करूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, और क्या? माचिस नहीं है, छोड़ो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां चांदनी, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे ऐश करेंगे, हाँ ओ खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे ऐश करेंगे, हाँ मजे करेंगे। यार ये मजे के बीच में सजा देने कौन आ गया? आज के दिन भी चैन से नहीं जीने देंगे, मजे नहीं करने देंगे। आप मत डरिए, मैं तो चांदनी ही हूँ। ये हादसा कैसे हुआ? अरे माँ जी आइए मेरे साथ, ये हादसा थोड़ी ना है, ये तो फेस पैक है, मैंने अपने हाथों से लगाया है। चुप कर, यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ी है और तुझे ये मेकअप की सूझी है? अरे माँ जी मैंने तो ऐसा कोई मेकअप नहीं किया जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाए। चुप, मैंने तुझे क्या कहा था? मेरे कद्दू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना तेरे जैसी, तूने ढूंढी? वो अरे बॉस कितने बिजी रहते हैं बेचारे, सारा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं, डेजर्ट और डिनर के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, अब उस टाइम में मैं शादी तो नहीं करवा सकती ना। तू ये बातें बनाना बंद कर और मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की जल्दी से ढूंढ, दो दिन में, नहीं तो मैं तेरा भंडा फोड़ दूंगी। पर माँ जी मेरे पास तो एक ही पतीला है, आप कौन सा भांडा फोड़ेंगी? मैं सच बोल रही हूँ, मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं दो दिन में, क्या पूरे पौने दो दिन में आपके लड़के के लिए लड़की ढूंढ दूंगी। पर बॉस ने अगर शादी करने से मना कर दिया तो? वो क्या, उसकी माँ भी करेगी। है? आपके लिए भी लड़का ढूंढा है इस उम्र में? चुप कर, तू मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढेगी, उसको मनाने का काम मैं कर लूंगी, समझी? दो दिन में, समझी ना? मैं दिन गिन रही हूँ। तू अपनी सांसें गिनना शुरू कर दे। तो चांदनी जी आपने शर्मा की फाइल भेज दी? हाँ हाँ बिल्कुल भेज दी सर। कद्दू देखा मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ? मम्मी अपने हाथों से बनाया है मैंने। मम्मी ऑफिस में तो मुझे कद्दू मत बुलाइए प्लीज। चुप कर, ये मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है, ये ले, मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। चबा चबा के खा। नहीं कुछ हुड़हुड़ हो रहा है। हुड़हुड़ नहीं बस गुड़गुड़, गुड़गुड़ सा हो रहा है। मैं अब जाता हूँ। ई लग गया तीर निशाने पे। तीर कहाँ है तीर, कहाँ है तीर? अरे मैं कद्दू के पेट की बात कर रही हूँ। है पर बॉस का पेट तीर की तरह कहाँ है, वो तो तरबूज की तरह मोटा है। मुझे पता है मैंने उसके खाने में जमाल गोटा मिलाया था। हाय क्यों, सुबह पेट नहीं साफ हुआ था उनका? नहीं मैं उसको अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ। कभी तीर कभी जाल, माँ जी आप जंगल से शिकार करके आई हैं क्या? मम्मी जी खाने में क्या मिलाया था, मेरा तो सब सिस्टम डायरेक्ट हो गया है। कुछ नहीं था, वही खाना मैंने भी खाया, लेकिन मुझे लगता है तेरे ग्रहों पे राहु और केतु की दृष्टि पड़ गई है। आपके होते हुए राहु और केतु की क्या जरूरत है? कुछ कहा बेटा? आप कितनी अच्छी माँ है।
हमें कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है तेरी कुंडली में, इसलिए मैंने पंडित जी को बुलाया है। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, मुझे लगता है मुझे जाना होगा। हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। देखा, फिसल गया है ना। मैंने कहा था तेरे ग्रहों की दशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब तो तेरी कुंडली मुझे पंडित जी को दिखानी ही पड़ेगी। अरे मम्मी जो करना है करिए, पर पहले मेरी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाइए। वाह, एक तो बॉस की शक्ल इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़की भाव ही नहीं दे रही है। चाने जी। जी बॉस, आप अब आपकी तबीयत कैसी है? ओ डॉक्टर की दवा के बाद ठीक है, पर मुझे लगता है कि खाने में कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ? अरे उस खाने में ही तो गड़बड़ थी। कुछ कहा जाने जी? नहीं नहीं, 3 बजे के बाद तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे आप कुछ कहने आए थे? हाँ, वो रंभा का फोटोशूट है नई प्रेस रिलीज के लिए, आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। ओके ये बात। सॉरी। हेलो मम्मी जी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना गड़बड़ है। मम्मी जी वो तो खाने के बाद से गड़बड़ है ना। मैं तेरे पेट के नहीं, तेरे ग्रहों की बात कर रही हूँ। पंडित जी ने कुंडली देख ली है, बहुत गड़बड़ है। पहली मिस्टेक है क्या कुंडली में? तेरी किस्मत में ही मिस्टेक है। पंडित जी ने कहा है कि 3 दिन में अगर शादी नहीं हुई तो 7 साल तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्या? पर 3 दिन में लड़की कहाँ से मिलेगी? मतलब तो 3 दिन में शादी करने के लिए तैयार है कद्दू? हाँ, अगर 3 दिन में नहीं हुई तो 7 साल के बाद ये कद्दू तो पक जाएगा ना। वेरी गुड। तू अब देख, तेरी माँ 3 दिन में तेरे लिए कैसे लड़की ढूंढती है। हाँ, ये लड़की सही रहेगी भाभी। देखो, कद 4 फीट 7 इंच, रंग काला, बदन गोल मटोल और उम्र सिर्फ 42 साल। भाभी ये लड़की बॉस के लिए एकदम परफेक्ट है। अबे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद भी तू इसे लड़की बोल रहा है? चुप करो यार तुम दोनों, तुम लोगों से नहीं होने वाला, रहने दो। पिछली बार जो लड़कियां चुन चुन के भेजी थी ना, उसके सदमे से बॉस और उसकी माँ अभी तक उभर नहीं पाए, और अगर ये लड़की भेज दी ना तो हार्ट फेल हो जाना उनका। अरे तो भाभी अच्छा है ना, कम से कम 1 विकेट तो गिरेगा, उसके बाद शादी का लफड़ा ही खत्म। चुप करो यार तुम, लगता मेरे रिश्तेदारों को फोन करना ही पड़ेगा। चंदू तुम्हारे भाई और पापा बॉस के साथ कैसे शादी करेंगे? अरे गधे, मैं करीबी रिश्तेदारों की बात नहीं करी, दूर के रिश्तेदारों को फोन करना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बुद्धू मौसी, कैसी हैं आप? अच्छा वो आपके भाई की बेटी थी ना जिसकी शादी करनी थी, उसकी शादी हो गई क्या? क्या धोबी के साथ भाग गई? कमाल है भाई, क्या धोबी था, कपड़े साफ करते करते लड़की भी साफ कर दी। चुप करो यार पप्पू, अब किसको फोन करूं? सुषमा बुआ को फोन करती हूँ। सुषमा बुआ नमस्ते, मैं चांदनी बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? अरे बात करने के लिए बोल रही हूँ और क्या। हाँ हाँ अच्छा, वो आपकी भतीजी थी ना, उसकी शादी नहीं हुई ना, लड़का वड़का मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा लड़का है। क्या शादी करने के लिए तैयार है? वेरी गुड जी वेरी गुड। कोई बात नहीं वो, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अरे तो क्या हुआ, वो प्रेग्नेंट है तो? प्रेग्नेंट? हरिओम हरिओम। हाय, लगता है बॉस के लिए मैं लड़की ढूंढ नहीं पाऊंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हर प्रॉब्लम का सलूशन आस पास होता है। आस पास? Wow!
क्रॉस परफेक्ट कपल थोड़ा वियर्ड है पर बाकियों से तो अच्छा है. माजी से बात कर लेती हूँ. माजी 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 क्या हुआ लड़की मिली? हाँ माजी लड़की मिल गई. चल दिखा मुझे. आज ही शगुन के कंगन उसे पहना देती हूँ. अब पहले आप लड़की तो देख लीजिए. अरे बंदरिया दिखाएगी तो भी चलेगा. चल दिखा. अच्छा ठीक है फिर देख लीजिए. आइए 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 अब वो देखिए. बंदरिया जैसे कहा तो बंदरिया ही ढूंढ ली. कैसी बातें कर रही है माजी. कितनी सुंदर तो है. हाँ मैं जानती तो हूँ इसे. पिछली बार मिली तो थी. बहुत नखरे इसके. देखिए माजी शॉर्ट नोटिस में यही माल मिलेगा आपको. अच्छा लेकिन तूने उसे पूछा है क्या कि ये कद्दू से शादी करेगी या नहीं? हाँ 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 बाबा फुल रेडी है. बिल्कुल फुल रेडी है. ठीक है तो मैं कद्दू से फोन पर बात करती हूँ. नहीं माजी बाद में कर लेना. पहले आप फाइनल कर लीजिए फिर बाद में बात कर लेना. ओके 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 जैसे तेरी मर्जी. ओके हाय रब जी मैंने तो माजी को कह दिया कि रंबा मान गई हूँ पर अब बॉस को कैसे मनाऊं क्या करूं क्या करूं. मेरी जिंदगी खराब होने वाली है. अरे भाभी वो तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने नंदू बैल आई मीन नंदू भाई से शादी की थी. अब फिर से खराब होने वाली है पप्पू. क्यों फिर से शादी कर रहे हो? क्या चुप करो यार तुम. बॉस की माँ मेरी जॉब खाने वाली है. क्यों चंदू बॉस अपनी माँ को खाना नहीं देता क्या? चुप करो यार तुम. एक तो ले दे के वो रंभा मिली थी अब वो भी शादी करने के लिए राजी नहीं है और बॉस की मॉम को मैंने बोल दिया कि रंभा शादी के लिए तैयार है. अब मैं करूं भी तो क्या करूं. मुझे तो लगता है हमें बोरिया बिस्तर बांध के धमदोला चल जाना चाहिए. अब वहाँ तुम्हें छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी तो मिल ही जाएगी. चुप करो यार और कुछ करो यार. भाभी ये रंभा को शादी के लिए मनाना है ना. अच्छा अगर मैं रंभा को शादी के लिए मना लूं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तेरी शादी तानिया से करवा दूंगी और खर्चा ना पॉकेट मनी से काटूंगी भी नहीं. सच? ओके भाभी तो अब देखो ये पप्पू चलाएगा अपने जादू का चप्पू और रंभा की शादी की सेटिंग करेगा. भाभी का फोन. हाँ भाभी. हेलो पप्पू कुछ हुआ? अरे भाभी कुछ हुआ होता तो रोने की आवाज आती ना. अरे गधे मैं पूछ रही हूँ रंभा को पटाने का कुछ हुआ? अरे भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करो मैंने अपनी चाल चल दी है. बस अभी फोन करके बताता हूँ आपको. हेलो हेलो फोन काट दिया इडियट कहीं का. फिर से फोन काट दिया. भाई फोन क्यों काट दिया? भाभी का फोन. हाँ भाभी. हेलो पप्पू फोन मत काटना. पहले मुझे ये बताओ रंभा को मनाने के लिए किसे भेजा है? अरे भाभी आप चिंता मत करो मैंने अपने सबसे बड़े हथियार यानी नंदू भाई को भेजा है. क्या रंभा को मनाने के लिए तुमने नंदू को भेज दिया है? हाँ. इडियट आग में घी डाल के उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हो. जल्दी वापस बुलाओ. पर भाभी भाई तो फोन काट रहे हैं. है? इसका मतलब नंदू रंभा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है. रंभा डार्लिंग. हाय नंदू मुझे क्यों बुलाया तुमने आज? अब तक मुझसे नाराज हो? नहीं तो मैं कहाँ नाराज हूँ. देखो मैं हंस भी रही हूँ. लेकिन मैं डर रहा हूँ ना. अपने दांत प्लीज अंदर डालो ना. इतने दिन तुम अपनी बीवी के आंचल में छुपे हुए थे क्या? अरे नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो. चंदू अपना आंचल मुझे सिर्फ प्रेस करने के लिए देती है छुपाने के लिए नहीं. अच्छा तो तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो बताओ. रंभा डार्लिंग तुम तो जानती हो ना
मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब तुम्हारा अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। क्या मतलब? मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे डंडे की जरूरत है? अरे डंडे की नहीं, तुम्हें एक पति की जरूरत है। हाँ तो चाहो तो पति को सुधारने के लिए डंडे का इस्तेमाल कर सकती हो, बहुत औरतें करती हैं। अच्छा, अब यानी कि नंदू तुम मुझसे शादी की बात करने आए हो? हाँ रंबा, हाँ। एक ऐसा पति जिसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत बहुत प्यार हो, जो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े। इसका मतलब जो प्यार तुम्हारे दिल में मेरे लिए है वैसा प्यार? हाँ वैसा ही वैसा ही। तो ठीक है नंदू, हम दोनों ना कहीं भाग चलते हैं। क्यों? हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं नंदू, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार भरा है, इसीलिए हमें भाग जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। पर रंबा, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हें कोई बीमारी है बेबी? अरे मेरी वो बीवी है ना चंदू, वो तो मेरे लाश को भी तुमसे शादी नहीं करने देगी। जब इतना डरते हो तो फिर मुझसे यहाँ पे शादी की बात क्यों कर रहे हो? कि जो मेरी केयर करे, मेरे बारे में सोचे, प्यार व्यार एंड ऑल दैट। अरे वो तो मैं तुमसे ये कहने आया था रंबा डाली, कि तुम ना किटम किटू से शादी कर लो, वो बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुमसे प्यार भी करेगा। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं तो वही कह रहा था जो स्क्रिप्ट में लिखा है। डरपोक कहीं का, उस चंदू की वजह से आज नंदू मेरे से शादी भी नहीं कर पा रहा है, और उसी के कहने पर वो मेरी सेटिंग उस कद्दू के साथ लगाना चाहता है। चंदू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। पप्पू, पप्पू, पप्पू। हाँ भाभी। कहाँ है नंदू? अरे भाभी, भाई तो अभी तक उस रंभा के साथ ही है। क्या? नंदू! क्या हुआ चंदू? कहाँ थे तुम? बाहर। कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। अरे क्या करके आ रहे हो? चल के आ रहा हूँ चंदू। चलना क्या इतनी बुरी बात है जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? पप्पू, कहाँ है मेरा डंडा? अरे चंदू, तुम्हें मेरा अगर चलना अच्छा नहीं लगता तो मैं बैठ जाता हूँ, गुस्सा मत करो यार। मैं पूछ रही हूँ रंबा से क्या बात कर रहे थे तुम? शादी की। क्या? आखिर तुमने प्रपोज कर ही दिया, लोटी गई, मैं बर्बाद हो गई। चंदू, लेकिन मैंने प्रपोज किया तभी तो तुम्हारी शादी हो पाई ना, उसमें रोने वाली क्या बात है? भाई तुमने जब से प्रपोज किया भाभी तभी से रो रही है। अरे चुप करो यार, तुमने रंबा को क्यों प्रपोज किया? हाँ? अरे मैंने रंबा को प्रपोज नहीं किया। अभी तो तुमने कहा कि मैं रंबा को प्रपोज करके आया हूँ। अरे यार चंदू, वो तो मैं पप्पू के कहने पर रंबा को समझाने गया था कि तुम बॉस से शादी कर लो, लेकिन वो है कि मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। क्या? उसकी इतनी हिम्मत चुड़ैल कहीं की? भाई एक बात समझ में नहीं आती यार, तुम्हारे जैसे निकम्मे, नाकारा, आवारा, एक नंबर के लूलू नंदू नादान के साथ कोई कैसे शादी करने तैयार हो सकता है? चुप कर, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। इज्जत दे रहा था भाई। यस, अब मेरी समझ में आ गया मुझे रंभा से कैसे पीछा छुड़ाना है। हेलो, हाँ रंबा। पियो ना। रंबा डाली, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ नंदू, हाँ, वरना मैं तुम्हें अपने घर से लात मार के निकाल नहीं देती। पर तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि बेबी तुम मेरी बहुत केयर करते हो, इसीलिए। हाँ अच्छा, वो क्या है ना, कभी कभार चंदू की आहट सुन के मुझे भाग भी जाना पड़ता है। तुम ना थोड़ा डरपोक हो, पर बेबी तुम वक्त निकाल के मुझसे मिलने तो आते हो ना, जो कि कोई और नहीं आता। हाँ, वो चंदू का दिया हुआ घर का सारा काम खत्म करने के बाद कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए तो चाहिए होता है ना। चुप रहो बेबी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया,
तुम मुझे इतने सारे फ्री के गिफ्ट देती हो, फ्री का खाना खिलाती हो, फ्री में पूरा शहर घुमाती हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब कि तुम मुझसे इन सब चीजों के लिए प्यार करते हो नंदू? नहीं नहीं रंबा डार्लिंग, मैं तो ऐसे ही ये सब कह रहा था। एक्चुअली मुझ जैसे नकारा हाउस होल्ड हस्बैंड के पास बीवी की सेवा करने के अलावा टाइम ही कहाँ होता है। हाँ इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंस तो मुझे उसे देनी पड़ेगी ना, वो मेरी बीवी जो है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा एक दूसरी औरत ही रहूंगी नंदू। रो मत रंबा डार्लिंग, रो मत। वो क्या है ना, मैं तुम्हें पहली औरत कभी नहीं बना सकता, क्योंकि चंदू के पिताजी के पास एक गन है जिससे वो मुझे परलोकवासी बना देंगे, इसलिए तुम पहली औरत कभी नहीं बन सकती। इसका मतलब मुझे मेरा सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा नंदू? नहीं रंभा नहीं। मैं उस चांदनी को बर्बाद करके रहूंगी। उसके लिए तुम्हें बॉस के साथ शादी करनी पड़ेगी रंभा। सोचो रंभा सोचो, अगर तुम बॉस के साथ शादी करती हो तो तुम चंदू से मेरा और तुम्हारा बदला ले सकती हो, उसके ऊपर हुक्म चला सकती हो। जितना टॉर्चर उसने तुम्हें और मुझे किया है उन सब का बदला ले सकती हो। सोचो रंभा सोचो, जिसने तुम्हारे प्यार को छीना है तुम उसकी सारी खुशियां छीन सकती हो। सोचो रंभा सोचो, जिसकी वजह से तुम्हारे प्यार को तुम पा नहीं सकी उसका बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ठीक है नंदू, मैं किट्टू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे मम्मी मैं बाल क्यों बिगाड़ रही हूँ? बिगाड़ नहीं रही, सवार रही हूँ। मेरा राजा बेटा दुल्हा बनेगा ना? क्या आपका मेरे अलावा भी कोई राजा नाम का बेटा है और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तू ही मेरा राजा बेटा है और तू ही दूल्हा बनेगा। तो आपको कोई लड़के मिल गए क्या? हाँ ये देख लड़की। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां।